मदरबोर्ड कई तरह के होते हैं, जिसमें से ये आपका सामने P4 का मदरबोर्ड है, पिन वाला जैसे बोर्ड बोलते हैं, पिन वाले प्रोसेसर लगते हैं इसके ऊपर। और इसके बाद आप देख रहे हो कई सारे स्लॉट्स हैं, कई सारे सॉकेट्स हैं, इनके ऊपर ही सारे डिवाइस जोड़े जाते हैं या लगाए जाते हैं। पहले ये हम इसके बाद देख रहे हो 845 मदरबोर्ड है ये, 845 GB का, ठीक है, 845 ZVM RZ ये मॉडल है मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड का मॉडल होता है, इससे हम पहचान सकते हैं कौन सा मदरबोर्ड है। और फिर मदरबोर्ड को हम पहचानने के लिए कि इसमें अंदर रैम कौन सी लगी हुई है, ये आपकी स्लॉट से भी हम रैम से पता चला सकते हैं कि इसमें कौन से स्लॉट्स हैं। क्योंकि स्लॉट के बीचों बीच आप ये देख रहे हो इधर, बीचों बीच आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि कैमरे का रेजोल्यूशन थोड़ा कम है। तो इसके ऊपर एक बोल्ट्स लिखे होते हैं, 2.5 बोल्ट अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस स्लॉट पे DDR1 रैम लगेगी। अगर इस पे 1.5 लिखा हुआ है तो इस पे DDR3 लिखे रैम लगेगी। अगर इस पे 1.8 लिखा वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस पे DDR2 लगेगी। किस मदरबोर्ड पे कौन सा रैम लगेगी ये उसकी वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज के को देखकर हम पता कर सकते हैं कि इस मदरबोर्ड के ऊपर ये रैम लगाई जाएगी। तो इस सबसे आसान तरीका है, अगर आपके पास रैम नहीं है, कोई मदरबोर्ड है, तो आप इस स्लॉट के ऊपर जो बीचों बीच आप देख कर देख रहे, थोड़ा खाली जगह दिख रहा है आपको, अगर आप देख पा रहे हो, तो इसके ऊपर लिखा होता है यहाँ पर रैम, मतलब स्लॉट के ऊपर बिल्कुल प्रिंट होगा प्लास्टिक का ही, वैसा कलर प्रिंट नहीं होता है, ऐसे प्लास्टिक में ही बोल्ट्स लिखे होंगे। आप उसे देख करके आप पता कर सकते हैं इसके ऊपर कौन सा रैम लगी हुई है। तो इसके ऊपर 2.5 वोल्ट का ये इसमें ऑपरेटिंग वोल्ट है, मतलब 2.5 वोल्ट पे आपका ये वोल्ट पे रैम जो है चलती है, तो मतलब DDR1 रैम लगी हुई है। ये पिन वाला प्रोसेसर आपका पिन वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। साथ साथ आपका ये जो ये इसका लॉक है, इसको हम बंद करने के लिए इसको दबाते हैं, और इस साइड में देख रहे हो आप एक लॉक लगा हुआ जिससे फंस जाता है, ऊपर को नहीं आ पाता है। इसको अगर निकालना है तो बाहर की तरफ दबा के हल्का सा, और फिर हम इसे ऊपर खींचते हैं और प्रोसेसर लूज़ हो जाता है, फिर से हम इसे निकाल सकते हैं यूँ करके, ठीक है। आप इसको लगाना है तो आपको ये लगा करके आप फिर लगा सकते हैं। इसके ऊपर ये फ्रेम दिख रहा है आपको, ये फ्रेम होता है CPU के ऊपर, जो CPU फैन लगाया जाता है उसके लिए। इसके ऊपर लगा करके एल्युमिनियम की एक हीट सिंक, एल्युमिनियम की हीट सिंक होती है, उसके ऊपर एक फ़ैन लगा होता है, और उस फैन की कनेक्टिविटी ये इस साइड में जो 3 पिन की आपको कनेक्टर दिख रहा है इसके ऊपर किया जाता है, जिससे कि जैसे ही मदरबोर्ड ऑन होता है या प्रोसेसर काम करना चालू होता है तो ये गर्म हो जाता है। उस गर्म प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर रखने के लिए इसके ऊपर हीट सिंक लगाया जाता है, और उसके ऊपर फैन जिससे वो कूलिंग करता रहता है, जिससे हमारा कंप्यूटर सही ढंग से चल जाता है। अगर ये प्रोसेसर ढंग गर्म रहे, गर्म हो जाए, यानी इसके नॉर्मल टेम्परेचर पे ना रहे, यानी इसे ठंडा नहीं रहेगा अपने जो नॉर्मल इनका वर्किंग टेम्परेचर है, तो हमारा कंप्यूटर हैंग होकर चलेगा। तो अगर आपका कंप्यूटर कभी हैंग चले तो इस आपको फ़ैन को ज़रूर देखें कि आपका कहीं फ़ैन लूज़ तो नहीं है, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह तो नहीं जम गई है, उसको साफ़ सुफ करके आप लगा सकते हैं। और इसके बाद ये आपको जिस वाइट कलर का ये दिख रहा है 20 पिन का कनेक्टर, ये SMPS से सप्लाई दी जाती है, उसके कनेक्टर्स हैं। इसके ऊपर हम SMPS जो होते हैं उनके कनेक्टर लगाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह का SMPS है, ये SMPS है आपका, इस तरह का पिन, ये वाली पिनें लगाई जाती हैं। इसके ऊपर आगे फ्रंट पे एक लॉक है, और इस में भी लॉक बना हुआ है, इस साइड को, इस साइड एक लॉक लगा हुआ है। तो इस लॉक को और इस लॉक की पोजीशन सेम रख के हम, यानी इस तरह से रख के हम इस कनेक्टर को लगाते हैं। तो यानी इस बोर्ड को पूरे जो बोर्ड पर काम करने के लिए सप्लाई जो दी जाती है वो इस कनेक्टर से ही दी जाती है। हम इस पर लगा देते हैं, ये लग गया आपका, इस तरह से लगाते हैं। और इसकी एक और जो CPU को जो वोल्टेज देती है उसके लिए 4 पिन का एक ये कनेक्टर और है। इस कनेक्टर के ऊपर एक और SMPS से सप्लाई आती है 4 पिन की, येल्लो और वाइट ब्लैक कलर की, ये येल्लो और ब्लैक कलर की ये कनेक्टर है, इसको हम लगाते हैं CPU को वोल्टेज। अगर मैं इसको चलाता हूँ, इस सिर्फ यही सप्लाई लगाता हूँ, इसको नहीं लगाता हूँ, तो हमारे मदरबोर्ड ऑन तो होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगी, क्योंकि प्रोसेसर को जब तक प्रोसेसर एक्टिव नहीं होगा तब तक हमारे डिस्प्ले नहीं आएगी। इसके लिए हमें इसे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम लगा सकते हैं, इसको लगाएंगे तो हमारी सप्लाई, यानी हम SMPS से मदरबोर्ड को सप्लाई मिल गई, हमें और कुछ चीज़ SMPS की और कोई चीज़ मदरबोर्ड के ऊपर जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ मदरबोर्ड में ये 20 पिन का एक कनेक्टर
और ये 4 पिन का कनेक्टर हमें जोड़ना पड़ता है। बहुत से मुझे पुराने मदरबोर्ड हैं उनमें सिर्फ ये 4 पिन की सप्लाई नहीं होती थी, वो डायरेक्टली इसी से वोल्टेज दी जाती थी, लेकिन अब इसकी जो प्रोसेसर की सप्लाई है वो अलग कर दी गई है 12 वोल्ट से। यहाँ पर एक वोल्टेज VRM सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पर कैपेसिटर वगैरह दिख रहे हैं, कैपेसिटर MOSFET पाइल वगैरह लगा करके प्रोसेसर के लिए एक सप्लाई अलग से बनाई गई है, जिस ताकि प्रोसेसर फास्ट चल सके, कंप्यूटर हमारा अच्छी तरह से काम कर सके। तो ये सॉकेट होता है हमारा SMPS के वायर को जोड़ने के लिए। साथ में आपको इसके बराबर में ये कनेक्टर दिख रहे हैं काले काले 3 कनेक्टर, ठीक है, जिसमें से एक जो सॉकेट है ये फ्लॉपी ड्राइव के लिए होता है जो कि यूज़ नहीं होता है फिलहाल, अब बंद हो चुके हैं, ज़्यादा कोई भी यूज़ नहीं करता है। फिर भी पुराने वाले बोर्डों में ये थे जब यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब नए बोर्ड जो भी आ रहे हैं उनमें ये स्लॉट ख़त्म कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। और ये होते हैं ID, जो हमारे ID हार्ड डिस्क वगैरह के लिए या DVD राइटर वगैरह लगाने के लिए ये 2 स्लॉट दिए होते हैं, एक प्राइमरी एक स्लेव, यानी हम एक साथ 2 हार्ड डिस्कों को जोड़ सकते हैं। हम इन 2 स्लॉटों पे केबल की मदद से हम 4 हार्ड डिस्कों को या 4 डिवाइसों को हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ID केबल में 2 कनेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी और स्लेव। तो इसके ऊपर 40 पिन का एक कनेक्टर होता है बज टाइप, इसके ऊपर हम हार्ड डिस्क को या DVD राइटर को या CD-ROM वगैरह को लगाते हैं। आपके सामने कट दिख रहा है, कट इसलिए दिखा हुआ है कि आप कभी भी उल्टी केबल ना लगे, जिससे हमारा अगर इस कट ना दिया हो और नॉर्मली डालना हो तो ये पता नहीं चलता है कि हम किस साइड से हमें डालना है। तो ये कट इसलिए दिया होता है ताकि ये पता चल सके कि सही पोजीशन क्या है। ऐसी ID केबल के ऊपर भी एक पोजीशन दी होती है, जिससे आपकी उल्टी केबल अगर लगाना भी चाहेंगे तो नहीं लगेगी। तो ये ID के लिए होता है। ये आप देख रहे हैं बैटरीज आपको दिख रही है, ये CMOS की बैटरी है। CMOS की बैटरी जिससे जो कुछ भी हम बायस सेटअप में करके सेव करते हैं उसको सेव करने के लिए ये बैटरी यूज़ की जाती है, या डेट और टाइम को हमेशा के लिए सेव करने के लिए जब तक इसमें बैटरी रहेगी। परमानेंट वायर है, वो सिस्टम कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं तब भी इस बैटरी के जरिए CMOS को पावर मिलती रहती है, जिससे डाटा सेव रहता है। अगर हम इस बैटरी को निकाल दें तो जो भी हमने बायस सेटअप में सेटिंग की है, पासवर्ड लगाया है या कुछ भी किया है, वो रिसेट हो जाता है, यानी शुरुआत डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। तो ये CMOS बैटरी होती है 3.5 वोल्ट की। इसके साथ निकालने के लिए ये लॉक होता है, इस लॉक को हम थोड़ा सा दबाएंगे तो ये बैटरी हमारी निकल जाएगी। रिप्लेस करना भी आसान है इसको, हम अगर ये वीक हो गई है तो हम इसको निकाल करके हम लगा देते हैं। कभी कभी बहुत से ब्रांडेड सिस्टमों में क्या होता है कि अगर CMOS बैटरी वीक है तो डिस्प्ले नहीं आती है। तो अगर डिस्प्ले आपके मदरबोर्ड में नहीं आ रही है, आपके सामने किसी तरह की प्रॉब्लम है, ब्रांडेड सिस्टम है, तो आप CMOS बैटरी को भूलें नहीं, क्योंकि कभी कभी इसकी बैटरी की वजह से भी आपकी डिस्प्ले नहीं आती है। और इसमें आपको देख रहे सिस्टम फ़ैन यानी CPU के अंदर, जैसे कूलिंग फ़ैन के CPU के अलावा टेम्परेचर को कम करने के लिए गर्मियों के दिनों में, या वैसे भी अगर गर्म ज़्यादा हो रहा है प्रोसेसर, तो इसमें अलग से एक फ़ैन लगा सकते हैं, एडजस्ट फ़ैन लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा सिस्टम का अंदर जो कैबिनेट के अंदर की जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। ये आपको जो चिप दिख रही है ये BIOS चिप है, ये BIOS चिप है, यानी BIOS एक सॉफ्टवेयर होता है, फर्मवेयर जिसे बोलते हैं। इसी BIOS में जो प्रोग्राम है वो पूरे हार्डवेयर उसी के हिसाब से हमारा माइक्रोप्रोसेसर काम करता है, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर का अपना कोई दिमाग नहीं होता, अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकता, उसको जो बताया जाएगा उसी हिसाब से ये काम करता है। तो किस तरह से काम करना है कैसे नहीं करना है, वो सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शंस और आदेश निर्देश होते हैं वो इस BIOS चिप के अंदर होते हैं। ये BIOS चिप है, BIOS चिप अब फ्लैश BIOS चिप आ रही हैं, कई तरह की आ रही हैं, 8 पिनों की आ रही हैं, और 8 पिन की भी आ रही हैं, 12 पिन की भी आती हैं। तो इस तरह की चिप जो आपको दिख रही है ये BIOS की पिन होती हैं, चौकोर में होती हैं। और आपको इधर साइड कनेक्टर्स दिख रहे हैं, ये पैनल कनेक्टर हैं, पैनल कनेक्टर कहने का मतलब कि इसके ऊपर जो हम पावर की ऑन ऑफ बटन जो कैबिनेट के साथ केबलें होती हैं उनको जोड़ा जाता है। ये आपको 4 पिन इकट्ठी एक साथ दिख रही हैं, ये स्पीकर के लिए हैं होती हैं, 2 आपकी पावर स्विच की होती हैं, बाकी 2 इधर पीछे के सभी रिसेट के लिए हैं, 2 पावर LED जो ब्लिंक करती है, जो इंडिकेट करती है पावर LED, और ये पूरी हार्ड डिस्क LED हार्ड डिस्क स्टेटस के लिए, हार्ड डिस्क क्या मूवमेंट है, मूव कर रही है नहीं कर रही है, उसकी स्टेटस बताती है। तो इसको पावर पैनल कहते हैं। इसके ऊपर आपको साइड में दिख रहे प्रिंट होगा, उसके ऊपर लिखा भी होता है कि कौन सा पावर केबल कहाँ लगाना है, और साथ में आपको दिख रहे अलग से भी पिन दी हुई है पावर LED के लिए। ये आपके 2 जो दिख रहे हैं, 2 पोर्ट दिख रहे हैं USB के हैं, USB केबल जो हम एक्सटर्नल बाहर कैबिनेट के ऊपर जो पोर्ट होते हैं उनके केबल हम इस USB के अंदर के पोर्ट के ऊपर जोड़ते हैं। ये हमारे साउथ ब्रिज बोलते हैं,
PIX भी बोला जाता है। ये चिप होती है जो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके कंट्रोलर सीमोस आईसी वगैरह होती है वो इसी के अंदर होती हैं। आईडी हार्ड डिस्क की कंट्रोलर इसी के अंदर, कीबोर्ड माउस के कंट्रोलर सब इसी के अंदर होते हैं। आपको ये दिख रहे हैं वाइट कलर के जो PCI स्लॉट होते हैं, ये PCI स्लॉट यूनिवर्सल स्लॉट होते हैं। इनके ऊपर जितनी पिनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये जितनी पिनें आपको दिख रही हैं, इनके ऊपर मदरबोर्ड पे सारे जितने भी सिग्नल बनते हैं वो सारे सारे सिग्नल यहाँ आते हैं। इसके ऊपर ये एडिशनल दिया होता है, इसलिए दिया होता है कि अगर मदरबोर्ड के ऊपर कोई डिवाइस है नहीं, जैसे साउंड कार्ड आपको लगाना है या आपके मदरबोर्ड का साउंड कार्ड ख़राब हो गया, तो आप स्लॉट पे PCI स्लॉट के साउंड कार्ड बाजार में मिलते हैं। आप उसके स्लॉट के ऊपर साउंड कार्ड, USB कार्ड, ऑडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड या और भी बहुत से कंट्रोलर होते हैं, जैसे CCTV कैमराज वगैरह के या फिर किसी प्रिंटर के प्लॉटर वगैरह के कार्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे लगा कर हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन तीन पोर्ट दिए हैं, आप तीन तरह के डिवाइस इस पर कार्ड इस पर लगा सकते हैं। PCI डिवाइस के ऊपर डिबग कार्ड वगैरह टेस्टिंग वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिससे के ऊपर लगा करके मदरबोर्ड में कौन से सिग्नल बन रहे हैं, कौन से नहीं, कौन से क्या क्या हो रही हैं पोस्ट के बारे में, यानी बाइनरी में सारे कोड्स इस पर आते हैं और पता चल जाता है कि इसके अंदर वोल्टेज बन रही है, कौन सी बन रही है, कौन सी नहीं बन रही है, क्लॉक आ रही है नहीं आ रही, रिसेट आ रही है नहीं आ रही, वो डिबग कार्ड के द्वारा हम पता करते हैं। वो डिबग कार्ड इसी स्लॉट के ऊपर लगाए जाते हैं। डिबग कार्ड के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी आपको ये दिख रहा है, ये आपकी ये चिप होती है इनपुट आउटपुट चिप, जिसे IO चिप भी कहते हैं। इसकी ये इस जितने पावर स्टार्टिंग प्रॉब्लम जितनी होती है, यानी पावर कंप्यूटर को स्टार्ट करने और से लेकर के छोटे मोटे जो कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट के जितने भी कंट्रोल होते हैं इसके अंदर होता है। साथ ही साथ ये आप कैपेसिटर देख रहे हैं, ये सप्लाई कैपेसिटर्स होते हैं, जिन जिन चिपों को जो जो जितने भी कंट्रोलर्स हैं, जैसे क्लॉक जनरेटर है, इसके साथ एक क्रिस्टल लगा हुआ है। ये क्लॉक जनरेटर हर जितने भी डिवाइसेस हैं सबको क्लॉक देने के लिए काम में आती है। ये आपकी नॉर्थ ब्रिज है चिप है, जो मेमोरी को और ग्राफिक को और साउथ ब्रिज से मिलने वाले जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनके उनको CPU के साथ कम्युनिकेट कराती है। यानी साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज को CPU के साथ कम्युनिकेट कराती है। ये तीन चिप मिल करके छोटे जितने भी पूरे मदरबोर्ड पे डिवाइसेस होते हैं या कंट्रोलर होते हैं उन सबको कंट्रोल करती है। इस तरह से आप देख रहे हो, ये सॉकेट्स लगभग आपको मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से सॉकेट कहाँ लगाए जाते हैं, और इसके साथ जो भी अलग से कंपोनेंट्स हैं, सर्किट्स हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कौन से सर्किट किस काम आते हैं, उनमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं, उनको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल ये बेसिक ही है। आपको सामने फ्रंट में दिख रहे हैं ये कनेक्टर्स दिख रहे हैं, जो ग्रीन कलर का आपका कनेक्टर दिख रहा है और वायलेट कलर का। ये ग्रीन कलर का कनेक्टर माउस के लिए होता है और वायलेट कलर का जो कनेक्टर है वो कीबोर्ड के लिए होता है। साथ साथ आपको यहाँ पैरेलल पोर्ट दिख रहा है, ये पैरेलल पोर्ट प्रिंटर वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। अब तो USB प्रिंटर आ गए हैं, इस वजह से इन पोर्टों को नए बोर्डों में ख़त्म कर दिया गया है। यह कॉम पोर्ट होता है, जैसे जॉयस्टिक वगैरह गेम पोर्ट भी बोलते हैं इसको। इसमें माउस, जो व्हील वाले माउस आते थे उनको कनेक्ट करते थे, या जॉयस्टिक गेमिंग के लिए जॉयस्टिक रिमोट को हम कनेक्ट कर सकते थे। और साथ साथ इसका फ़ायदा और था कि दो एक और सिस्टम को हम इस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते थे आराम से शेयरिंग के लिए। यह आपकी डिस्प्ले के लिए होती है, VGA जिसे वीडियोग्राफिक अडेप्टर कहते हैं। इसके जो मॉनिटर को की केबल इसके अंदर जोड़ी जाती है। और आपके सामने एक ये दिख रहा है, ये गेम पोर्ट होता है, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है साउंड के लिए है। ग्रीन कलर ये इनपुट के लिए होता है, आउटपुट के लिए होता है, और ये इनपुट के लिए होता है, और ये वाला ऑरेंज पिंक कलर का जो होता है ये माइक के लिए होता है। हम इसके सारा अब जोड़ के माइक वगैरह लगा करके ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये लैन है, RJ45 लैन है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट के केबल या नेटवर्किंग वगैरह या दो या तीन जितने भी कंप्यूटर्स हैं हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। और ये दोनों USB है, USB डिवाइस, जितने भी USB डिवाइसेस हैं उस USB डिवाइसेस को हम इस पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये आपको मैंने बताया कि P4 का पिन वाला मदरबोर्ड है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे वो काम करता है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिनलेस मदरबोर्ड के बारे में, उसके ऊपर लगे हुए सॉकेट के बारे में। तो तब तक देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और नई वीडियो की जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।